वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डेंगी फीवर पे, और ब्रेक पे जाने से पहले यूसुफ साहब की कॉल आई थी और उनकी दो तीन कन्फ्यूजन्स थी, और एक वो टिप भी दे रहे थे कि पपीते के पत्ते जो होते हैं उनका अर्क निकालते हैं, और वो बाकायदा मैंने भी देखा है, वो एक टेबल स्पून उसका अर्क जो है वो रोज़ाना पिया जाता है जिनको डेंगी फीवर होता है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और वैसे भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट्स बताई थी। जी डॉक्टर साहब, अच्छा इसमें इनके दो बहुत ही इन्होंने अच्छे सवाल किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात इन्होंने रखी है। पहला जो एक गलतफहमी पाई जाती है या कोई चीज़ प्रूव नहीं है, देखिए मॉडर्न दौर जो है, जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये वो दौर है कि जहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को माँ के पेट से पैदा होने के बाद बचा लिया जाता है। सही। जब से आज से 50 साल पहले एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की थी जो नहीं बचाई जा सकती। अगर हम सिर्फ RH इनकॉम्पेटेबिलिटी को ले लें तो आज से 60 साल पहले इंग्लैंड और वेस्ट में भी हालात ये थे कि 70-80% बच्चे मर जाते थे क्योंकि उनको NTD नहीं लग पाता था, और एंटीबॉडीज मतलब बेसिक चीज़ों मतलब सर्वाइव। मगर साइंटिफिक रिसर्च ने, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ने, जिसके लिए जो मॉडर्न रिसर्च जिसको हम कहते हैं, मॉडर्न एरा में ये चीज़ हुई कि जो चीज़ साइंटिफिकली साबित हो जाए उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे, जो चीज़ साइंटिफिकली साबित नहीं हो गई उसके ऊपर हम कोई भी वी कैन नॉट ट्रस्ट, बिकॉज इट मे गिव्स यू अ फॉल्स फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, या आपको एक गलत खुशफहमी में या गलत इत्मीनान में आपको मुब्तला कर सकता है कि ठीक है यार, वो सामने वाले ने भी पपीते का पानी पिया था, ठीक हो गया तो मैं भी वो पी रहा हूँ, और अल्लाह ना करे उसकी डिजीज़ और आपकी डिजीज़, उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त, उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत मुख्तलिफ हो, और वो तो माशाल्लाह ठीक होकर निकल जाए और आप ठीक ना हो पाए। चुनाचा बींग द मेडिकल डॉक्टर, बींग द रिसर्चर डॉक्टर, बींग द वन एक्सपीरियंस इन माई फील्ड, जितना मैं लिटरेचर, जितना मैं दुनिया भर के सर्च कर चुका हूँ, हमें इसको हम सेकंड नहीं करते, इस आइडिए को हम सपोर्ट नहीं करते, पपीते के पानी वाले आइडिए को। किसी रिसर्च ने प्रूफ नहीं किया। आप पता है, मुझे लगता है डॉक्टर साहब इतने अरसे में, जितनी देर वो खुद ही पीते रहते हैं पपीते का पानी, इतने देर में तो उनका एक वायरल है वो खुद ही खत्म हो जाता है, तो कहते अरे ये तो देखा इसकी वजह से खत्म हुआ। वेरी सेंसिबल, मतलब उसी में अगर वो जामुन का पत्ता भी पी लेते तो शायद उससे भी ठीक हो जाता। अच्छा दूसरी बात जो इनकी थी, मुझे याद पड़ता है कि पहले भी चीज़ डिस्कशन में आई है शायद, देखिए इन्होंने खुद ही अपने सवाल में जवाब बता दिया कि इनके आयरन फेरेटिन लेवल्स कम रहते हैं तमाम रिपोर्टों में। इसका मतलब ये है कि मोहतरम यूसुफ साहब, आपके जिस्म में या तो प्रॉपर आयरन दाखिल नहीं हो रहा, या वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या दाखिल भी हो रहा है एब्जॉर्ब भी हो रहा है मगर उसके कहीं मुकाबले में कहीं ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो आपको तीन चीज़ों पे नज़र रखनी है, क्या आपके खुराक में गोश्त मौजूद है, कलेजी इस तरह की चीज़ें पका के आप खाते हैं, गाय बकरे का गोश्त आप खाते हैं कि नहीं खाते, आपको आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं कि नहीं खाते, पालक और इस तरह की चीज़ें खाते हैं कि नहीं खाते। इससे तो साबित हो गया अगर आप खाते हैं कि आपका फ्यूल आप ले रहे हैं, आपके कंजम्पशन ठीक है। फिर सेकेंड बात आ जाती है कि कहीं एब्जॉर्प्शन में या एक्सक्रीशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके जो तरीके हैं, आपको एक चीज़ ये देखनी होगी कि अक्सर लोगों के मैदे के मुंह पे वर्म होता है, वहाँ से खून रस रहा होता है, अब वो इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि आपके खाने से पूरी नहीं हो रही होती। चुनाचा आपके स्टूल का टेस्ट होना चाहिए, आपकी पॉटी का टेस्ट होना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि कहीं आपकी आंत के किसी जगह से हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की वजह से या किसी और सोजिश या किसी जरासीम की वजह से आपका खून तो इतना ज़ाया नहीं हो रहा कि जो आप लेते हैं वो पूरा नहीं कर पा रहा। मगर आपके केस में बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो साबित हो गई कि आपका आयरन कम है, और आयरन कम होने की तीन वजूहत हैं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस डेंगू की तरफ। अच्छा सर, हमने डेंगू फीवर तो अभी तक आपने एक्सप्लेन किया, इसको मुझे बताएं कि इसके इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, बिल्कुल इनिशियल, जब हम लोगों से बाकी सारे और चीज़ों से कन्फ्यूज कर रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है डेंगू में वो बुखार का आना है, तेज बुखार का आता है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी में, ये कमर में, ये गर्दन में, ये सर के पीछे वाली जगह के ऊपर, और ये पूरी रीढ़ की हड्डी खासतौर पे यहाँ पे पीछे नीचे कमर में, मरीज़ कह रहा होता है कि जी मुझे कभी ज़िंदगी में इस तरह का दर्द हुआ ही नहीं, ऐसा जिस्म मेरा कभी नहीं टूटा, ऐसी हड्डियाँ मेरी कभी नहीं दुखी। मैं फिर ये बात रिपीट करूँगा कि हर मरीज़ में सब कुछ नहीं होता। डेंगू के 50% मरीज़ बगैर किसी सीवियर पेन के, बगैर किसी ज़्यादा दर्द के, बगैर किसी ज़्यादा, लेकिन फीवर होना वहाँ मस्ट। हाँ, और फीवर भी ज़रूरी नहीं कि आपको माइलेज के साथ साथ फीवर होना मस्ट है। फीवर भी बाज लोगों को कम कम में 101-100 पे रह के 3-4-5 दिन चला जाता है। 50% मरीज तो ऐसे
निकल जाते हैं और पता भी नहीं चल पाता कि उनको डेंगू था। मगर 25% वो हैं जिनको अच्छी खासी तकलीफ होती है और 25% वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। सो देयर इज ऑल एक्सट्रीम। एक एंड वो है कि जहाँ बहुत ही मामूली सा नज़र काम खांसी बुखार थी, कैफियत हुई, हल्का सा बुखार हुआ, 3-4 दिन में ठीक हो गए। और एक एक्सट्रीम वो है कि जबकि आपको दाखिले की भी ज़रूरत पड़ती है और पेचीदगियाँ भी होने का डर होता है। तो जिसे में शदीद दर्द होना, भूख का ख़राब होना, खाने का दिल नहीं चाहना, मतलब भूख का ना लगना, हाँ मतली की कैफियत, भूख का ना लगना, और जिस्म में शदीद दर्द और तेज़ बुखार, ये हैं अलामत। और अगर अल्लाह ना करे जिस्म पे हल्के हल्के डॉट्स या स्पॉट्स पड़ने लगे, रैशेस जो होते हैं जिसको रैशेस कहते हैं, तो निशान लाल रंग के पड़ने लगे जो कि जिस्म में प्लेटलेट की कमी की वजह से पड़ते हैं, तो फौरी तौर पर आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। यहाँ पे हम हेल्थ टीवी यहाँ पे ब्लड टेस्ट भी, सर जो इसका ब्लड टेस्ट है वो वाला बताइएगा। एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है जो फिर किसका स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है जी डॉक्टर साहब? इसमें एक तो जनरल ब्लड का CBC जिसको CP कहते हैं, CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहते हैं, वो टेस्ट होता है। उससे तो हम ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि प्लेटलेट क्या नीचे की तरफ तो नहीं जा रहे। सही, अगर प्लेटलेट नीचे की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल प्लेटलेट होने चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख या 4 लाख। अगर 1 लाख हो गया, 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, एज वाइज वेरी करती है रेंज? एज वाइज वेरी करते हैं, मगर मोस्टली एडल्ट्स में तो 4 लाख तक होते हैं, 1.5 से 4 लाख होते हैं। ठीक है, अगर इसमें वाजह तौर पे कमी नज़र आ रही है तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कहीं डेंगू तो नहीं है। एक और चीज़, वो लोग जिनका पहले का हीमोग्लोबिन का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हो, और आमतौर पर उनका हीमोग्लोबिन एक खास नंबर्स पर रहता हो, मतलब 12 पे 11 पे 13 जितने पे भी, अगर उससे वाजह तौर पर बढ़ गया है, किसी का 10 पे रहता है, उसका 14 पे पहुंच गया, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा होता है कि इसको कहीं डेंगू तो नहीं है। क्योंकि जिस्म की नसों से पानी निकल के नसों के बाहर चला जाता है और लाल खून जो नसों के अंदर रह जाता है, वो आपका हीमोग्लोबिन फॉल्सली हाई शो कर रहा होता है। जबकि आपको जैसे ही ड्रिप लगती है, पानी आपके जिस्म में डाला जाता है, या आपके जिस्म से जो पानी आपके मसल्स में और दूसरी स्पेसेस में चला जाता है, जो वापस, तो हम ब्लोटेड भी फील करेंगे उसके साथ? नॉट रियली मगर एडिमेटिस होंगे, आप खुद शायद करें ना करें, डॉक्टर पिक कर लेता है। डॉक्टर अपने स्ट्रेथो से उसके आपके लंग्स को पैल्पेट करके, पैरों को पैल्पेट करके उसको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या पोजीशन। सो ये वो इशारे हैं कि जिनसे, अब आपने जो बात कही कि अभी मखसूस टेस्ट बताइए, तो डेंगू के 2 मखसूस टेस्ट हैं। अगर बुखार 3-4 दिन के अंदर आया है रिसेंटली, तो डेंगू एंटीजन का टेस्ट है, ठीक है, जो कि उस जरासीम को पिक करता है, उसको कहते हैं डेंगू एंटीजन टेस्ट। ठीक है, अगर बुखार 5-6 दिन पहले से चल रहा है, तो 6-7 दिन पे जाके एक टेस्ट होता है जिसको डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। अच्छा, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है, IgG IgM एंटीबॉडी होता है। आमतौर पे IgM एंटीबॉडी, पहले एंटीजन डेफिनेटली हमारी बॉडी में एंटर होता है, उस वक्त तक हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज नहीं बनाई होती है, लेकिन 5-6 दिन में मुकाबला करने के लिए वो एंटीबॉडी बना लेती है, फिर हम उसका टेस्ट करते हैं। लेकिन ये फायदा होता है जिस डॉक्टर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, वो कितने अच्छे से समझा देते हैं, और हमारे पास एक बड़ी अच्छी सी कॉल है, डॉक्टर साहब ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, क्या हाल जी? ठीक है, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? गुड हेल्दी मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, मैं फिदा बोल रहा हूं अबटबाद से। जी फिदा साहब, कैसे हैं? अल्लाह का फजल, ठीक ठाक जी। क्या पूछना चाहेंगे आज? एक तो कब से पूछना है मैंने कि प्लेटलेट्स अगर काउंट बहुत डिक्रीज हो जाए, तो बड़े बड़े शहर में इंक्लूडिंग अबटबाद लग से प्लेटलेट्स शॉर्ट हो जाते हैं, मिलते नहीं है, तो क्या अगर फ्रेश ब्लड अगर लगा दिया जाए, फ्रेश ब्लड, तो उसमें कितने एक यूनिट से ब्लड के कितने प्लेटलेट्स इंक्रीज होते हैं? ठीक है, एक 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 सवाल तो ये है। और सेकंडली, जो बुखार है ये तो इन्फेक्शियस, ये तो ये कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है या क्या है? क्योंकि उमूमन जो डॉक्टर्स हैं वो तो यूज करते हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स वो डेंगू के लिए? जी जी, तो क्या ये कौन सा वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, ताकि या सेल्फ लिमिटिंग है, अगर प्लेटलेट्स काउंट अगर कम है तो उसको किया जाए, तो क्या उसके बाद खुद बहुत ठीक हो जाएगा? एंड इम्यून अगर हमारा स्ट्रांग है, हमारी कुवत मुदाफ़त अच्छी है, सही, तो या उसके लिए एंटीबायोटिक का जरूरी है साथ रिकमेंड करना बाय द डॉक्टर्स? सही जी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के फिदा साहब ने, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सर आप इस पे, मैं सबसे पहले तो ये मालूम करूंगा कि ये मुबारकबाद किसको मिलनी चाहिए कि इतने पढ़े लिखे इतने अच्छे आपके लिसनर्स और पाकिस्तानी इतने अच्छे कि जो कि इतने पढ़े लिखे और इतने रेलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और इतनी जो बातें हमें खुद से बतानी चाहिए वो हमसे वो पूछ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छे सवाल किया आपने जी। पहली बात, ये वायरस है,
इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है. और जो जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है जो आपको आपको ट्रीट कर रहा है आफ्टर बाद में आप रहते हैं, वो अपनी डिसीजन पे अगर समझता है कि नहीं जी ये तो वायरस तो है मगर इसके ऊपर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है उसको हाँ. लगता है तो वो उसका डिसीजन वो दे सकता है. हाँ, वो थ्रोट वगैरह की इन्फेक्शन साथ में हो सकती हाँ. है तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हाँ. कि जी हमने तो टीवी पे सुना था ये तो वायरस है और आप इसमें एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं. मगर अगर अगर इसका बिल्कुल सीधा और साफ सवाल पूछा जाए ये वायरस है तो हाँ ये वायरस है और इसके लिए इसकी कोई सेल्फ लिमिटिंग है और ये सेल्फ लिमिटिंग है. अगेन इससे भी ये मतलब ना ले लिया जाए यार क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है तो घर बैठे रहो. तो नहीं, अब ये भी मतलब नहीं है इसका. आपको ट्रीटमेंट लेनी है और इसकी बहुत भरपूर सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर आप बहुत भरपूर सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेंगे तो 90% मरीजों को बचाया जा सकता है. सही, 90% मरीजों की जिंदगी को कोई खतरा नहीं होता अगर सही वक्त पे डॉक्टर के पास जाके ड्रिप लगा के सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप कर ले. ले ले. अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी और इस पे बात करेंगे बल्कि इनफैक्ट और बहुत सारी बातें करेंगे. चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मिल जाएगा व्यूअर्स, वी विल बी राइट बैक.